दोस्तों 9 जनवरी 2023 को यूट्यूब की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया कि 1 फरवरी 2023 से सभी शॉर्ट्स क्रिएटर्स को यूट्यूब की तरफ से पैसा मिलने लगेगा। बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट्स चैनल बना करके काम शुरू कर दिया है। अगर आप भी यूट्यूब से शॉर्ट वीडियो डाल करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आज ही अपना चैनल शुरू कर लीजिए। आप लोग जानते होंगे कि यूट्यूब की जो नई पॉलिसी आई है उसके तहत आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 10 मिलियन व्यूज पिछले 90 दिनों में होना चाहिए, तभी आपका जो शॉर्ट्स चैनल है मोनेटाइज होगा। अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो उसमें तो 4000 घंटे की जरूरत है, वो भी एक साल में, लेकिन शॉर्ट वीडियो में थोड़ा सा रूल स्ट्रिक्ट है, 90 दिन में 10 मिलियन व्यूज। तो बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न है कि मान लीजिए हम शॉर्ट चैनल तो बना लिए लेकिन 10 मिलियन व्यूज 90 दिनों में नहीं हो पाए तो क्या हमारा चैनल जो है मोनेटाइज नहीं होगा। इसी प्रश्न का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा आपसे, अगर आप यूट्यूब से रिलेटेड जानकारी टिप्स ट्रिक्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लेना। चलिए हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो इस बात को मैं एक एग्जाम्पल की मदद से समझाने का प्रयास करता हूं, उम्मीद करता हूं एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आप 1 फरवरी 2023 से यूट्यूब शॉर्ट्स चैनल पर काम करना शुरू किए और मैं राउंड फिगर में फरवरी 30 दिन का ले लेता हूं, ठीक है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 अप्रैल तक आपके 90 दिन कंप्लीट हो जाते हैं और आप 1 मई को चेक कर रहे हैं अपने YouTube स्टूडियो के डैशबोर्ड में, तो वहां पर एक ऑप्शन आता है लास्ट 90 डेज में कितने व्यूज आपको मिले, और वहां पर सपोज करो 10 मिलियन व्यूज नहीं मिल पाए आपको, केवल 1 ही मिलियन आपको व्यूज वहां पर मिल पाए या 5 मिलियन कुछ भी मिला, मतलब 10 मिलियन कंप्लीट नहीं हो पाया, तो क्या आपका शॉर्ट चैनल मोनेटाइज नहीं होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो 90 दिन का क्राइटेरिया है ना, ये जिस दिन आप चेक कर रहे होंगे उस दिन से पीछे का 90 दिन काउंट किया जाएगा, ना कि जिस दिन से आपने चैनल बनाया होगा उस दिन से। सपोज करो आप 1 मई को चेक कर रहे हैं तो आपका 1 फरवरी से लेकर के 30 अप्रैल तक का डेटा उसमें होगा, वो 90 दिन आपका काउंट होगा अगर हम तीनों महीना 30 दिन के मान लेते हैं तब, ठीक। तो आपको चैनल पर काम करना बंद नहीं करना है, आप वीडियो डालते जाइए और जिस दिन भी आपके YouTube स्टूडियो के डैशबोर्ड में जब चेक करेंगे कि लास्ट 90 दिन में 10 मिलियन व्यूज हो गए, आपका जो है वो चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। आप अप्लाई कर देंगे तो आपका जो मोनेटाइजेशन चालू हो जाएगा। सिंपल सा मैं बताने का ये प्रयास कर रहा हूं कि जिस दिन भी आप चेक कर रहे हो अपने डैशबोर्ड में उस दिन से पीछे का 90 दिन जोड़ा जाएगा, उतने में आपका 10 मिलियन होना चाहिए। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।